हेलो फ्रेंड्स, आई शालिनी वेलकम यू ऑल टू लर्नर्स अकेडमी। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम सीखने जा रहे हैं ड्रॉप डाउन लिस्ट को क्रिएट करना। एक्सेल में कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिसमें हमारे पास बहुत सारी ऑप्शंस देनी होती हैं, तो उस केस में हम एक ड्रॉप डाउन लिस्ट को क्रिएट करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ योर बर्थडे मंथ। तो यहाँ पर हमें मंथ को सिलेक्ट करना है, तो इसलिए मैं यहाँ पर क्रिएट करूँगी ड्रॉप डाउन लिस्ट को। तो आप एंड तक मेरे साथ इस वीडियो ट्यूटोरियल में बने रहिए, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप बहुत ही इजी वे में मैं आपको बताऊंगी कैसे आप एक ड्रॉप डाउन लिस्ट को क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, ताकि आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए इस ट्यूटोरियल को स्टार्ट करते हैं। जिस सेल में भी आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट को क्रिएट करना है, फर्स्ट स्टेप है आपने उस सेल को क्लिक करना है। सिलेक्ट कर लिया है इस सेल को, उसके बाद हम जाएंगे डेटा टैब में। डेटा टैब में जाने के बाद आपको डेटा टूल्स ग्रुप में जाना है और यहां से आपको सिलेक्ट करनी है ऑप्शन डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन आ चुकी है और यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे सबसे पहले अलाउ, और यहाँ से मैं सिलेक्ट करूँगी लिस्ट, क्योंकि मुझे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट को क्रिएट करना है। नेक्स्ट आ जाता है आपका सोर्स, कि आपने कहाँ से डेटा लेके आना है, या फिर आप बोल सकते हैं कि आपने ड्रॉप डाउन लिस्ट में कौन कौन सी वैल्यूज दिखानी है, किस तरह का डेटा दिखाना है। क्योंकि यहाँ पे आपको मंथ्स इंसर्ट करने हैं, तो मैंने एक शीट में मंथ्स लिखे हुए हैं। तो देखिए, शीट नंबर टू में मैंने अलग से मंथ्स लिखे हुए हैं, तो यहाँ से मैं इनको कर लूँगी सिलेक्ट। तो सोर्स आप देख सकते हैं शीट नंबर टू से, A1 से लेके A12 सेल्स जो हैं वो मेरे सिलेक्ट हो गए हैं, और ये डेटा आपका जाएगा ड्रॉप डाउन लिस्ट में। इसको मैं करूँगी ओके। तो जैसे ही मैं ओके करूँगी, आप देख सकते हैं मेरे सेल के साथ यहाँ पर ड्रॉप डाउन मेन्यू आ चुका है, और देखिए मेरे सारे के सारे मंथ्स यहाँ पे आ चुके हैं। जिस पे आप क्लिक करेंगे वो मंथ आपका यहाँ पे शो हो जाएगा। तो इस तरह से अगर आपके ड्रॉप डाउन लिस्ट में बहुत सारा आपने डेटा डालना है, तो आप उसको एक अलग शीट पर लिखकर वहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट मेरे पास आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू लाइक आइसक्रीम। तो इसका आंसर हो सकता है येस या फिर नो। इस तरह के शॉर्ट क्वेश्चंस जो होते हैं, शॉर्ट आंसर्स होते हैं, तो उनके लिए हम कैसे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट को क्रिएट करेंगे। तो बेस्ट अप्रोच क्या होती है, सबसे पहले आपने सेल को सिलेक्ट किया, डेटा टैब में जाएंगे, डेटा टूल्स ग्रुप में जाएंगे, और यहाँ से फिर से आपको सिलेक्ट करना है डेटा वैलिडेशन, और हमें यहाँ पर अलाउ में जाकर सिलेक्ट करनी है लिस्ट, क्योंकि हम ड्रॉप डाउन लिस्ट को क्रिएट कर रहे हैं। और सोर्स में मुझे, अब देखिए यहाँ पे सिर्फ दो ही ऑप्शंस हैं, तो मैं अलग से एक शीट में डेटा को नहीं लिखूंगी। तो दो जो आपकी ऑप्शंस हैं वो आप यहाँ पर दे सकते हैं यस, और ऑप्शंस को सेपरेट करने के लिए मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी कॉमा नो, और इसको करूँगी ओके। तो देखिए ड्रॉप डाउन लिस्ट हमारी क्रिएट हो चुकी है, जिसमें दो ऑप्शंस दिखाई दे रही हैं यस और नो। तो इस तरह से आप बड़े इजी वे में एक्सेल में अपनी ड्रॉप डाउन लिस्ट को क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरा ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और एक्सेल की वीडियोस देखने के लिए आप मेरी एक्सेल की प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, कीप सपोर्टिंग अस।